आपने गुरु बनाया है कि केवल गुरु सुना था? सुना था, बनाया नहीं था। अगर एक बार जिसको पति बना लिया जाता, क्या कभी उस स्वप्न में भी नहीं बोलती? कितना लोग प्रयास करें फिर भी नहीं बोलती, कोई बुला नहीं सकता। ये रिश्ते संसार के नहीं बुलाए जाते हैं। और गुरु तो आध्यात्मिक रिश्ता, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, इसको कैसे आप भूल जाएंगे? और इसको भूल जाएंगे तो दूसरा कोई मिलेगा नहीं। आप परमात्मा से मिलाने वाली शक्तियां कोई हजार दो हजार नहीं आती, एक आती, सिर्फ एक समय से आती है। और उसको भूल जाओगे फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो पूछते हैं कि हमने तुमको 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में जगह जगह पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम करके तुम्हें सुनाया और तुमको बताया मैं ये काम करने आया हूँ, ये काम करके जाऊंगा, मुझको मेरे काम से न कोई रोक सकता, न किसी के पास मेरे मारने का सामान है, ये सब उन्होंने आपको बताया, जिससे आप पर ये विश्वास हो जाए कि मेरा गुरु समर्थ। समर्थ का अर्थ क्या है? और तुमने ये कहा, प्रचार किया कि गुरु हमारे समर्थ हैं, गुरु हमारे अनामी महाप्रभु हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, ये मतलब वो युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, सब प्रचार आपने किया। आपने भारत की जनता से ये भी कहा कि विश्व पे सुख शांति, विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम यही कह प्रचार कर रहे हो कि बाबा जी मर गए, तो लोग कहेंगे विश्व को सुख शांति कौन देगा? तुमने तो ये प्रचार किया था हमारा गुरु विश्व को सुख शांति देने आया, अब तुम कहते हो बगैर शांति दे मर गया, इसका मतलब झूठ बोल के चले गए। तब लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, ये भी अपमान आपको सहना पड़ेगा। अगर गुरु झूठा हो गया तो चेलों को कोई सच्चा नहीं मानेगा। गुरु की, चेलों की महिमा गुरु से होती है, और तुमने अपने गुरु को झूठा कह दिया और प्रचार कर दिया, तो तुम्हारी कोई महिमा रहेगी? या आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, आगे आने वाले समय में तुम्हें रोना पड़ेगा। जब ये रात खुलेगा, खुल तो गया है लेकिन विस्तृत रूप में, जब खुल के तुम्हारे सामने आ, तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं, आंसू बहाने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, फिर तुम गुरु के लाभ से वंचित रह जाओगे, तुम्हारी जीवात्मा रो रो के रह जाएगी कि हमने समर्थ मालिक को धोखा दिया, हमने उनको पहचान नहीं पाया, या स्वार्थी लोभी लालचियों के साथ में फंस कर मैंने गुरु की महिमा खत्म कर दी, मेरे जैसा अपराधी गुरु का कोई नहीं है, और गुरु का छोड़ा जीव कोई पकड़ नहीं सकता, कोई दया नहीं कर सकता। इसलिए जिसने पढ़ाया है वो तो रोज पूछता स्कूल में, आज पाठ पढ़ाएगा कल आपसे पूछेगा, लेकिन बाबा जी ने 60 साल पढ़ाया आपसे पूछा कुछ? वो इशारा करके कुछ आपसे पूछना चाहते, क्या कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती। देखो मुसीबत आने का कारण क्या, बीमारियां बढ़ने का कारण क्या, पारस्परिक लड़ाई
झगड़े बढ़ने का कारण क्या है, महंगाई गरीबी बढ़ने बढ़ाने का कारण क्या है। अगर तुमने संत महापुरुषों की बात मान ली होती, जिन्होंने देश में खुशहाली लाने का वादा, सुख शांति लाने का वादा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने का दावा,